गजब बेइज्जती है यार। मतलब आदि पुरुष के मेकर्स ने आज सोशल मीडिया पर अपनी इतनी फजीहत करवाई है, अपनी इतनी बेइज्जती करवाई है, जिसके क्या ही कहने। तो सोशल मीडिया पर आज आदि पुरुष के मेकर्स ने एक बार फिर से ऑफिशियल कलेक्शन, 10 डेज की ऑफिशियल कलेक्शन डिक्लेयर की है, जिसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ आज डे नंबर 11 पर क्या कलेक्शन आई है, जेन्युइन रियल कलेक्शन आदि पुरुष की कितनी रही है। साथ साथ में डे नंबर 10 की जो बातें कही जा रही हैं मेकर्स की तरफ से, उनमें कितनी सच्चाई है और कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा गोलमाल है, सब कुछ एक्सपोज होने वाला है इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले हम लोग बात करते हैं मेकर्स की, उस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई, झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। जहां ऑडियंस एक तरफ ये कलेक्शन वीडियोस देख देख कर अपने आप को जागरूक कर रही है और जानती है लिटरली कि किस तरह पे कलेक्शंस जो हैं वो जमीन पर घुटने के बल चल रही हैं, लिटरली घुटने के बल चल रही हैं। आज डे नंबर 11 यानी कि सेकेंड मंडे को आदि पुरुष लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। मतलब कह सकते हैं कि आज अगर मैं इसको बोलूँ, आज इस फिल्म को सिमट चुकी है, ढेर हो चुकी है, तो इसमें बिल्कुल कुछ गलती नहीं होगी, नहीं। लेकिन जो मेकर्स हैं उनको पब्लिक की आंखों में धूल झोंकनी और अपनी फजीहत करवानी, अपनी बेइज्जती करवानी ही करवानी है और अपना मजाक उड़ाना है कि भाई जनता को सब कुछ पता है, भाई सब कुछ दिख रहा है कि कलेक्शन जो हैं पूरी तरीके से धराशाही हो चुकी हैं। लेकिन मेकर्स ने एक मैजिकल नंबर आज शेयर किया, मतलब मैजिकल नंबर आज शेयर किया सोशल मीडिया पे, 10 डेज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ आदि पुरुष एज 450 करोड़। कितना? 450 करोड़। मतलब झूठ बोलना बोलो, इतना मत फेंको भाई साहब, इतना मत फेंको यार, शर्म करो थोड़ी बहुत। सबको सब कुछ पता है लेकिन फिर भी इस तरीके का अपना मजाक उड़वाना, ये बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और जो मेकर्स हैं ये उनके लिए विडंबना की बात है भाई, कहाँ। एक तो फिल्म का इतना नेगेटिव रिव्यू आया है, उसके बाद कलेक्शन सबको दुनिया को दिख रही है कितनी कलेक्शन आई हैं, उसके बावजूद भी अपनी ही धुन में चले हैं, दुनिया से क्या लेना है। लिटरली इसी धुन में, इसी डिल्यूजन में ओम राउत और टी सीरीज और मनोज मुंतशरी, जितनी भी इनकी मंडली है, वो अपने फेक कलेक्शंस को बताने में लगी है। तो इसको एक्सपोज करते हुए मैं आपको बताती हूँ डे नंबर 10 की फाइनल ऑफिशियल कलेक्शन, जिसमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी अब अपडेट होकर आ चुकी है। जी हाँ, सुबह के वीडियो में भी मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करती हूँ लेकिन उसमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नहीं होती है, उसमें ओवरसीज कलेक्शन नहीं आती है, वो दोपहर तक आती हैं, इसलिए रात की वीडियोज़ में वो होती हैं, ठीक है। तो ज़रा 10 दिन की अब आदि पुरुष की असली कलेक्शन सुन लो, ठीक है। यानी कि 10th डे पर आदि पुरुष ने जो बिजनेस किया था दैट वाज 7.2 करोड़। आज सुबह जो नंबर उस वक्त आ रहा था, दैट वाज जो डेटा में आ रहा था, दैट वाज 5.25 करोड़, लेकिन अपडेट होकर फिर से जो ये नंबर आया इंडिया नेट कलेक्शन में, जो कि शायद सिंगल स्क्रीन को ऐड करके आया होगा, 7.2 करोड़ का नंबर आया, जिसके बाद जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है आदि पुरुष की 10 दिन की, दैट इज ओनली 275.5 करोड़। जी हाँ, ये नंबर इंडिया नेट का। साथ साथ में इंडिया ग्रॉस की बात करते हैं तो इंडिया ग्रॉस का कलेक्शन 325 करोड़ है। इसी के साथ साथ ओवरसीज कलेक्शन इज 53 करोड़, जिसको सबको ऐड करके फिलहाल 10 दिन का असली सही कलेक्शन जो है आदि पुरुष का वो है 378 करोड़ ओनली, ठीक है। 378 करोड़ कहाँ पर है और 450 करोड़ कहाँ पर है, करीब करीब 70 करोड़ की गोलमाल, 70 करोड़ का घपला कहाँ, किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं मेकर्स, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि लोग कितनी हंसी उड़ाएंगे, इनकी जो बेइज्जती हुई है लिटरली आई हैव नो वर्ड्स। बुरा भी लगता है कि क्या मतलब प्रभु श्री राम के नाम पर मजाक किया, फिर उसके बाद व्हाटएवर जो भी था, दैट ऑल हैज हैपेंड। लेकिन हाँ, कलेक्शंस की जो बात हो रही है, तो आज के दिन था क्रिटिकल मंडे, सब लोग हम लोग जानते ही हैं। मैंने आपसे सुबह ही कहा था कि आज के दिन की एडवांस बुकिंग जो आई थी दैट वॉज 47,000 ग्रॉस ओनली। ये मेरे से किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि क्या ये 47,000 टिकट सोल्ड है, जी नहीं, ये कलेक्शन थी 47,000 ग्रॉस की कलेक्शन आई थी एडवांस बुकिंग में, 5 languages में, 10 versions में, जी हाँ 10 versions में। सो उसके बाद अब ज़रा नंबर सुनिए कलेक्शन का, बेहद शॉकिंग। मैंने आपसे आज सुबह ही कहा था कि 2 करोड़ की प्रेडिक्शन करूंगी मैं, सिर्फ 2 करोड़, दैट्स इट, ना इससे आगे ना इससे पीछे हो सकता है। मैंने कहा तो इससे हो सकता है कम भी आ जाए, लेकिन कम नहीं आया है थैंकफुली। 2 करोड़ जो है उतना का उतना ही रहा है, ठीक है, ये मैं आपको इन टोटैलिटी पहले ही बता देती हूँ, जो कि आने के बाद जो इंडिया कलेक्शन है, इंडिया नेट कलेक्शन, दैट इज रीच टू 277 करोड़ ओनली। 277 करोड़ सच्ची रियल कलेक्शन है आदि पुरुष की, जिसका बजट है 600 करोड़ रुपये, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताती हूँ, मैंने इतने टाइम से कलेक्शंस को फॉलो किया है लेकिन इस तरह का रिस्पॉन्स और इस तरह का डेटा मैंने आज तक नहीं देखा कि तेलुगु 3D वर्जन में
तो अभी तक ऑक्यूपेंसी का ये डेटा नहीं आया है बिकॉज इतनी लो ऑक्यूपेंसीज हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इतनी लो ऑक्यूपेंसीज हैं कि वो ऑक्यूपेंसीज का डेटा ही अपडेट नहीं हुआ है। और हिंदी 3D वर्जन की अगर मैं बात कर लूँ तो हिंदी में मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी कितनी थी 5.5%, आफ्टरनून 7.8%, इवनिंग 8%, और मुझे लगता है नाइट ऑक्यूपेंसी भी वापस 6% पर आ जाएगी, इससे ज़्यादा बढ़कर नहीं होने वाली, ये मेरा प्रिडिक्शन है। इसी के साथ जैसे मैंने कहा तेलुगु 3D वर्जन में सिर्फ मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई है, आफ्टरनून में क्या हुआ है वहाँ पे, इवनिंग में क्या हुआ है, नाइट में क्या होने वाला है, किसी को कुछ खबर नहीं है। तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी तेलुगु 3D वर्जन में थी ओनली 9%। और अब मैं आपको बताती हूँ जरा शहरों की बात, सच में सुनकर हिल जाने वाले हो, कई ऐसे भी शहर हैं जहाँ 0% ऑक्यूपेंसी थी, मतलब एक बंदा परिंदा भी नहीं गया आदिपुरुष देखने, 0% ऑक्यूपेंसी। सोचिए एग्जिबिटर्स का क्या हाल हो रहा होगा इस वक्त, वो कहाँ होंगे इस वक्त, वो कितना नुकसान झेल रहे होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम जरा शहरों की हिंदी 3D वर्जन की। हिंदी 3D में मुंबई में 7% की ऑक्यूपेंसी रही, 278 नंबर ऑफ शोज, जरा देखिए 278 अभी भी हैं, कितने घाटे में जा रहे हैं एग्जिबिटर्स, और ये जो बड़ी बड़ी नेशनल चेन्स हैं इनको कितना नुकसान हो रहा होगा आज के टाइम में। मुंबई 7% ऑक्यूपेंसी 278 शोज, दिल्ली NCR 7% ऑक्यूपेंसी 393 शोज, पुणे 9% ऑक्यूपेंसी 114 शोज, कोलकाता 6.6% ऑक्यूपेंसी 110 शोज, अहमदाबाद 6% ऑक्यूपेंसी 88 शोज, चंडीगढ़ 6% ऑक्यूपेंसी 38 शोज, लखनऊ 9% ऑक्यूपेंसी 91 शोज। पता नहीं ये शोज इतने हैं भी कैसे, मुझे नहीं लगता है आने वाले दिनों में ये शोज भी बचने वाले हैं आदिपुरुष के पास। तेलुगु 3D वर्जन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हैदराबाद में 10% की ऑक्यूपेंसी है, 265 शोज, बैंगलोर 5% ऑक्यूपेंसी, 5% बैंगलोर में ऑक्यूपेंसी, 148 शोज, चेन्नई 0 ऑक्यूपेंसी, 12 शोज पे 0 ऑक्यूपेंसी, विजयवाड़ा 6% ऑक्यूपेंसी 56 शोज, वारंगल 15% ऑक्यूपेंसी 23 शोज, गुंटूर 13% ऑक्यूपेंसी 8 शोज, वाइजैक 21% ऑक्यूपेंसी 78 शोज, महबूबनगर 15% ऑक्यूपेंसी 4 शोज, करीमनगर 0% ऑक्यूपेंसी 4 शोज, काकीनाडा 7% ऑक्यूपेंसी 7 शोज, राजमुंद्री 10% ऑक्यूपेंसी 16 शोज के साथ, जो टोटल आज के दिन का डे नंबर 11 का आदिपुरुष का जो कलेक्शन प्रिडिक्शन आ रहा है दैट इज ओनली एंड ओनली 2 crores। जी हाँ, 2 crore इस नंबर पे कोई फिल्म तब पहुंचती है यूजुअली जब वो अपना अच्छा खासा लंबा लॉन्ग रन जो है बॉक्स ऑफिस पर इंजॉय कर चुकी होती है, पब्लिक का सपोर्ट मिल चुका होता है, काफ़ी पैसा कमा चुकी होती है ऑर्गेनिकली, तब जाकर फिल्में जब बिल्कुल एंड पे लास्ट लेग में पहुंचती हैं 40वें 45वें दिन पे, कभी कभी 50-55वें दिन पर, तब जाकर ये कलेक्शन यहाँ पर आती है 2 crore 3 crore यहाँ तक आती है। लेकिन बड़ी बड़ी फिल्मों की, पठान जैसी फिल्मों की, तो अभी भी मतलब लास्ट के टाइम में भी कलेक्शन बहुत बड़ी आई थी। मैं बात कर रही हूँ द केरला स्टोरी की, वो फिल्म बहुत छोटे बजट पे बनी हुई, 15-20 crore के बजट पे बनी हुई फिल्म ने, उसने 300 करोड़ का ऑर्गेनिक नंबर, मैं मेरे पास पूरा डेटा है, मैंने एक एक दिन ट्रैक किया उस फिल्म को, पूरा डेटा है द केरला स्टोरी ने कैसे अपना पूरा एक लंबा लॉन्ग रन इन्जॉय किया, और वो भी ऑर्गेनिकली क्या नंबर आया उसका। और यही दूसरी तरफ है आदिपुरुष, जो कि बहुत बड़े भगवान श्री राम के नाम पर बनी हुई फिल्म, लेकिन फिर भी 11 दिन में 11 डेज में धराशाही इज द वर्ड, 11 दिन में धराशाही हो गई, जिसका नाम था फिल्म का आदिपुरुष, जिसको हम कह रहे थे इट विल बी द मूवी ऑफ मिलेनियम, सदी की सबसे बड़ी फिल्म, सदी की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म हो चुकी है आदिपुरुष। तो कल का सूर्य देखेगी भी या नहीं, हमको नहीं पता, क्या कल आदिपुरुष थिएटर्स में आपको मिलने वाली है या अगले हफ्ते अगले फ्राइडे से भी मिलने वाली है या नहीं, हमको नहीं पता है। अभी तक तो हमको नहीं लगता है कि अगले फ्राइडे तक भी आदिपुरुष थिएटर्स में रहेगी, 112 की टिकट हो जाए या फ्री में ही चलती रहे तो भी नहीं। सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है कल, एडवांस बुकिंग क्या आती है, आती भी है या नहीं, जो कुछ भी होगा आपसे सुबह के वीडियो में शेयर हो जाएगा, तो सुबह के वीडियो का वेट कीजिएगा। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दी अपडेट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट दैट्स स्टोरी, थैंक्स।